हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। आज हम बनाएंगे स्क्रैच का यूज करके, मतलब घर में जो अवेलेबल चीजें रहती है उनका यूज करके एगलेस वेनिला स्पॉन्ज केक। इस रेसिपी में मैंने सारे मेजरमेंट ग्राम्स में बताए हैं। इस केक के लिए हमें लेना है 220 ग्राम दही। केक बनाते समय खट्टा दही नहीं यूज करना है। अब इस दही के अंदर ऐड करना है 180 ग्राम पाउडर शुगर। आपके पास अगर कैस्टर शुगर है तो पाउडर शुगर की जगह आप वो यूज कर सकते हो। दही हमें रूम टेम्परेचर वाला यूज करना है, कभी भी फ्रिज से निकाल कर तुरंत ठंडा नहीं यूज करना है। दही और पाउडर शुगर को अब अच्छे से विक्स करना है हैंड विस्कर की मदद से। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 1.5 TSP बेकिंग पाउडर और 1/2 TSP बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स करना है और अब इसे हमें 5 मिनट के लिए साइड में रखना है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। यहाँ पे ये मैंने लिया है 260 ग्राम मैदा। जब हम मैदा, बटर, ये सब घर में अवेलेबल होने वाली चीज़ों से केक बनाते हैं तो उसे ही स्क्रैच से बनाया हुआ केक ऐसे बोला जाता है। अब इसमें ऐड करना है पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हमें इसे अच्छे से छानना है। हमने जो दही और पाउडर शुगर का बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल के बैटर साइड में रखा था उसे लेना है और उसमें हमें 1/2 TSP वैनिला एसेंस ऐड करना है। अब इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ये 100 ग्राम ऑयल लिया है। ऑयल हमें कौन से भी फ्लेवर या स्मेल वाला नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे ये मैं रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल डाल के इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने जो मैदा छान के रखा था उसके अंदर हमें दही का जो हमने बैटर बनाया है उसे ऐड करना है और धीरे धीरे हमें इसे एक ही सीक्वेंस में मिक्स करना है। फ्रेंड्स, बेकिंग करते समय हमें मेजरमेंट जो है ग्राम्स में ही लेना है, क्योंकि कप्स में कभी कभी कम ज़्यादा हो सकता है। ग्राम्स में जब हम मेजर करते हैं तो जो हमारी रेसिपी है वो परफेक्ट रेडी होती है। इस बैटर को आप हैंड विस्कर से भी विस्क कर सकते हो। इस बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसके लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून इतना दूध ऐड कर रही हूँ। अगर ये बैटर आपको ज़्यादा थिक लगे तो ही आप इसमें दूध ऐड कीजिए, क्योंकि कभी कभी मैदा कम ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, या फिर अगर हमने थिक दही यूज़ किया तो भी उससे बैटर थिक होने के चांसेस होते हैं। अब ये हमारा वैनिला केक स्पंज का बैटर रेडी है बेकिंग करने के लिए। इस बैटर से 1/2 kg का स्पंज रेडी होता है और ये जो बैटर है 7 और 8 इंच के टिन में एकदम परफेक्ट बैठता है। मुझे इस केक में हाइट ज़्यादा चाहिए, इसलिए मेरे पास ये जो 6 इंच का हाइटेड टिन है इसके अंदर ये जो बैटर है वो मैं डाल रही हूँ। टिन को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रेडी करके रखा है। इसके अंदर अब ये बैटर पोर करना है और बैटर डालने के बाद स्पैचुला से इसे ऊपर से ऐसे लेवल करना है। आपको अगर टिन का साइज समझने में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, जिस भी टिन में आप बैटर डालोगे उसमें ये बैटर हाफ बैठना चाहिए। अब इस टिन को अच्छे से टैप करना है। इस बैटर को अगर आप 7 या 8 इंच के टिन में डाल के बेक करोगे तो उसके लिए टाइम लगेगा 35 to 40 मिनट। यहाँ पे ये मैंने ज़्यादा हाइट वाला टिन यूज़ किया है, उसकी वजह से ये केक बेक होने के लिए मुझे 50 टू 55 मिनट्स लगेंगे। इस केक को आज मैं OTG में बेक कर रही हूँ। OTG में केक को प्रॉपर कैसे बेक करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। अब इस केक को मैं प्रीहीटेड OTG में 50 टू 55 मिनट बेक करूँगी। अब टोटल 45 टू 50 मिनट हो गए हैं, मैं इसे चेक करती हूँ। आप देख सकते हो केक परफेक्ट रेडी है। अब इस केक को हमें 10 से 15 मिनट तक टिन में ही ठंडा करना है। इसके ऊपर साफ नैपकिन डाल के रखना है। अब ये केक ठंडा हो गया है, मैं इसे आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। केक के साइड्स को लूज करना है। इसके ऊपर आप हमें एक प्लेट रखे उसे उल्टा करना है। आप देख सकते हो केक कितना एकदम मस्त प्रॉपर बेक हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में इसी स्पॉन्ज का यूज करके मैं आपको फोटो प्रिंट केक विथ कुल्फी फालूदा फ्लेवर बना के दिखाऊंगी। ये केक स्पॉन्ज की रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए।
और अलग अलग केक्स और केक के डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।